हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सकारात्मक होकर के आज की रीडिंग को देखिएगा और प्रभु आपको सुखी रखे, आनंदित रखे, प्रसन्नचित रखे, ऐसी कामना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड हमने शेफल कर लिए हैं, अब हम कार्ड्स को निकालते हैं। अभी मैंने इतने कार्ड ले लिए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और भी ले लेंगे, अभी इतना ही लिए हैं। चलिए अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि एंजल्स क्या हमें आज कहना चाह रहे हैं। देखिए पहला कार्ड ये बता रहा है कि आज आपकी कोई प्रपोजल या आपका कोई जो कुछ आप चाह रहे हो या जो आप किसी से करवाना चाह रहे हो या आप किसी से कुछ कह रहे हो और सामने वाला आपको जो जवाब दे रहा हो उसमें रिजेक्शन है, इनकार है। और ये वाइस वर्सा होती हैं एनर्जीज, तो कोई आपको भी रिजेक्ट कर सकता है और किसी की प्रपोजल, किसी की उसको आप भी रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्शन आपकी तरफ से भी हो सकता है, रिजेक्शन सामने वाले की तरफ से भी हो सकता है। तो आज थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि रिजेक्शन आपको मिल सकता है सामने वाले से, और आप भी सामने वाले को रिजेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई प्रपोजल हो वो रिजेक्ट हो सकता है या कुछ हो जाए, मगर आगे जो कार्ड्स कह रहे हैं वो ये है कि ऐसी इंसिडेंट के बाद, ऐसे घटनाक्रम के बाद आप अपना पेशेंस ना खोएं, पेशेंट रहें, एकदम अपने आप को बैलेंस्ड रखें। अगर आप रिजेक्शन के बाद थोड़ा सा भी अपना पेशेंस खोते हैं तो वो रिजेक्शन जो है अगर यश में भी बदलता है तो वो भी नहीं बदलेगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे आज नहीं तो कल वो बात आपकी स्वीकार हो जाएगी जो आज रिजेक्ट हो रही है। हो सकता है अगर आपने कोई प्रपोजल भेजा हो तो उसमें कोई कमी हो, या घर में भी आप कोई बात करना चाह रहे हो तो उसमें भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अदला बदली करके, अपनी बात में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके वही बात आप मनवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने अपना पेशेंस खो दिया तो फिर बात बनने की कोई संभावना नहीं है नियर और फार फ्यूचर में, ठीक है। अपने आप को बैलेंस्ड रखिएगा। इसके बाद जो आगे, जैसे जैसे आप आगे कम कार्ड्स को देख रहे हैं, तो जो आप प्रपोजल भेजे होंगे या जो आप प्रपोज किए होंगे कहीं, उसमें क्या है कि आप एक नई क्रिएशन के साथ जब उनके सामने जाएंगे, नए क्रिएशन के साथ जब आप उनके सामने जाएंगे तो आपकी बात बनेगी, आपकी बात बनेगी। थोड़ा सा उसको पॉलिश करना होगा। अभी जैसे आपने रफली, मतलब जो है एज इट इज, जो आप करना चाहते हैं या जो आप कहना चाहते हैं आपने रफ एकदम ऐसे ही भेज दिया,
वो हो गया रिजेक्ट। अब आपको उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, थोड़ा सा चेंज करके उसको पॉलिश करना होगा। बात वही करनी है, बात आपको वही करनी है, लेकिन थोड़ी सी पॉलिश कर लेंगे आप। तो वो पॉलिश करने के बाद आप एक नए तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करें, अपना प्रेजेंटेशन नए ढंग से दें। बात वही करनी है आपको जो रिजेक्ट हुई है, लेकिन उसको नए ढंग से करेंगे तो उससे क्या होगा, बात बनेगी। अगर कोई बात आज रिजेक्ट हो रही है, थोड़े दिनों के बाद आपकी वही विश, वही आपका प्रोजेक्ट, वही आपका प्रपोजल, या घर में भी आप कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो मानी जाएगी। इसके बाद आपको इसको अपने विश को पूरा करवाने के लिए कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी। चाहे तो आप चैरिटी करें, चाहे आप एक्स्ट्रा काम करें, चाहे आप अपने परिवार में हैं तो उसको खुश करने के लिए घर में गिफ्ट से लेकर जाए, तो आपकी बात बन जाएगी और आपका एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस आपका होगा, जिससे आगे आपकी जो बात आगे आगे बढ़नी है, जो आप चाहते हैं वही होगा, लेकिन आपको उसको बनाने में अपने आप को थोड़ा सा चेंज अपने में भी लाना होगा, क्योंकि अगर आप अपने में चेंज नहीं लाएंगे तो बात कैसे बनेगी। अपने में भी आपको, अपने को भी थोड़ा सा पॉलिश करना होगा, थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मल सा होना पड़ेगा। इनफॉर्मल होकर के बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा फॉर्मल भी होना पड़ेगा और अपनी बात मजबूती के साथ रखनी होगी और क्लैरिटी के साथ रखनी होगी, क्योंकि अगर बात में क्लैरिटी नहीं होगी तो दूसरे को वो बात समझ में नहीं आएगी। अपनी बात को अच्छे ढंग से आप समझाएं, अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें और खुद ड्रेसअप भी ठीक हो करके जाएं, क्योंकि आपकी जो, मुझे बात समझ में आ रही है कि आपकी जो ड्रेसअप है, जैसे आप तैयार होती हैं, थोड़ा सा उसमें आप चेंज लाएं, हल्का सा उसमें चेंज लाएं और अपने आप को स्मार्टली और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले के साथ में जा करके अपनी बात को रखें। सामने वाले के पास जाकर अपनी बात को बहुत कायदे से रखें। तो आपकी ये एक, आप अच्छे ढंग से ड्रेसअप हों, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं, अपनी बात को रखते हुए बहुत शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि शब्दों के हेर फेर से अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को बड़े अच्छे शब्दों में पेश करेंगे, वही बात जो आप रफली बोल रहे थे उसी बात को आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में, अच्छे शब्दों में, ऐसा लगे सामने वाले, क्योंकि इसके पीछे की भावनाएं, इसके पीछे का इंटेंशन बहुत बढ़िया है, आप कुछ उस ढंग का अपने आप को पॉलिश करें। करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने काम को करते हैं तो उसे हमें करना ही पड़ता है। थोड़ा अच्छे ढंग से जाएं, अच्छे ढंग से पेश आएं, आप रूडली ना रहें, थोड़ा सा प्यार से पेश आएं, तो आपकी बात कंप्लीट होगी, आपकी विश कंप्लीट होगी, क्योंकि आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, तो आपकी ज़रूर इसमें इच्छा पूर्ति है वो हो करके ही रहेगी। और थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी लेना चाहती हूँ। हाँ देखिए, आपको भी अपनी जो अतीत में, अपने पास्ट में आपने अपने जो जो मिस्टेक्स की हैं, गलतियाँ की हैं, उनको भी आप सुधारेंगे तभी बात बनेगी। तभी मैंने कहा ना, थोड़ी सी कुछ क्लैरिटी में कमी है मुझे लग रहा था। तो आपको अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना होगा और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी लाना होगा, ताकि फ्यूचर में आप उन गलतियों को करके अतीत के जो जाल में आप फंस गए थे उसमें ना फंसें, उससे आपको निकलने का रास्ता
आसानी से मिल जाए, इस तरह की बात इसमें आ रही है और ऐसा ही आपको करना होगा, करना होगा। अगर आप सफलता चाहते हैं, आप अपने को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो आपको ये करना ही होगा। और जिन लोगों से आप नाराज़ हैं, जिस उन्होंने आपकी बात को रिजेक्ट किया है, उनको माफ़ कीजिए और आगे निकल जाइए। उन बातों को मन में रख के अपने काम को मत करिए, क्योंकि अगर उन लोगों की उन बातों को मन में रख के आप करेंगे तो आप सफलता की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि 100+ आपको सफलता मिले। तो जब 100+ सफलता की बात हम चाहते हैं, तो उसमें आपको उन लोगों को जिन्होंने आपके इस प्रोजेक्ट में डिले किया है, जिनकी वजह से डिले हुआ है, उनको आप माफ़ कर दें और आप आगे जाएं, अपना काम करें, उसमें बात क्या है, है ना। हमें तो अपनी सफलता चाहिए ना, हमें दूसरे को कोई साथ में तो उन्होंने हमारे चलना नहीं है। उनके तो आपको NOC चाहिए, उनकी यस चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए। वो अगर आपको मिल गया तो उनको आप माफ़ करें और आप अपने काम में जुटें, तो अपनी सक्सेस आप सुनिश्चित करें। तो जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम नारायण हरि।